ठीक है भाई, अब हम लोगों को करना है आज फोर्स ऑन अ करंट। फोर्स ऑन अ करंट, अभी तक हमने फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल पढ़ लिया था, अब बारी आएगी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा था, फोर्स उस पर भी करंट पर भी फोर्स लगेगा ही लगेगा। चार्ज पार्टिकल ही तो फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब ही क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो करंट पर भी फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि अब वायर पे अपन फोर्स निकाल रहे हैं, पूरे वायर पे, वो थोड़ा सेंस बनाता है। देखते हैं, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस पर फोर्स लगने लगता है, ये बात हमें पता चल गई क्योंकि ये शुरू से ही बताई थी हमको, सबसे शुरुआती हमें बताया गया था कि देखो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी फोर्स लगेगा, वायर को, करंट कैरिंग वायर। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रेंडम वायर प्लेस्ड है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस वायर के छोटा सा टुकड़ा लिया डीएल, इस वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया डीएल, बाकी वायर कैसा भी जा रहा हो ये डीएल हुआ, ये जो डीएल वेक्टर है ये इधर जा रहा है, आईडीएल वेक्टर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस केस में इनटू द फेज है, तो आईडीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हमारा मान लिया है थीटा। ये किस किस की बात हो रही, आईडीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, लिख देते हैं जरा, हेयर बी इज दी हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है बी वेक्टर, और वायर मान लो ऐसे में प्लेस्ड है, अब करंट उसमें जा रही है ऐसे आई, तो एंगल आई, मतलब देखो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, इसीलिए हमें करंट एलिमेंट बार बार बोलना पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी जो की है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, बट बेसिकली हम आई और बी के बीच में एंगल देख रहे हैं, समझ में आया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक मिनट रुक जाओ बताता हूं मैं कैसे कह सकते हो आप लोग, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आप दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हो। हमारे पास फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या था भाई, लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या था, हाँ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स जिसको कहते थे, एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा लिख रहे थे अपन, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हमारे पास कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो उसके कहीं भी छोटे से हिस्से में जो करंट चार्ज है डी क्यू फ्लो हो रहा होगा डी टी टाइम में, यही तो आई है, आई होता क्या है डी क्यू अपॉन डी टी, यही तो है, तो हम डी क्यू चार्ज पर फोर्स निकालेंगे, तो वो फोर्स हमारे टोटल वायर के लिए बताया जा सकता है। फिर वहां से देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, तो इस इफ चार्ज इज डी क्यू, चार्ज जो है वो डी क्यू है, तो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे फिर डी क्यू, V को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx अपॉन dt, बोलो हाँ या ना, तो एफ बी इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू क्रॉस b वेक्टर, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर dq अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं अपन, i
dx, dx वेक्टर या dl वेक्टर एक ही हो गया, तो dx क्रॉस b हम करेंगे तो इन अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, तो I dx क्रॉस b, इसको ये किस पर आया, केवल और केवल इस छोटे से dx वाली लेंथ पर आया फोर्स। अगर हमें पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करना है, dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टोटल लेंथ, बोलो हाँ या ना। तो I L B sin थीटा आ जाएगा कि नहीं, इसको जल्दी में अपन लोग पढ़ते हैं, एफ बी इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, क्या पढ़ते हैं इसको, जहां पर बी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, आई करंट इन अ वायर, एल लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा भी हो सकता है वायर बट मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ है, और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट। करंट बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि करंट तो स्केलर है, ऑल दो उसके पास डायरेक्शन है, पर अपन बोलो क्या, करंट एलिमेंट। शाबाश, ये आ गया समझ में, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ जाए, ओके। तो इसीलिए हमने जो अपना फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था आई बी एल साइन थीटा, आगे बात समझ में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फोर्थ, बेसिक स्टार्ट हो गई, तो ये हम पहले ही बता चुके, यही वाली चीज बताई ना, इंटीग्रेशन डीएक्स करेंगे तो वो डीएल आ जाएगा, इसी से आता है फॉर्मूला। अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना करंट मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप निकाल सकते हो, आपको समझ आ रहा, और एक फ्लेमिंग का रूल भी है उससे भी निकाल सकते हो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट से, हमारा डीएक्स क्रॉस बी है या फिर आईडीएल क्रॉस बी है, तो आईडीएल की डायरेक्शन में पाम फैलाओ, बी की तरफ मोड़ो, अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, समझ नहीं आ रहा है, dx जो आईडीएल की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन में हाथ फैलाओ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, अंगूठा क्या देगा तुम्हें, फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, किसकी, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जैसे कि हमारे पास वायर इधर है आईडीएल ऐसे में, हॉरिजॉन्टल ऐसे में, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ऐसे में, तो हम ऐसे करेंगे फोर्स की तरह जाएगा ऊपर की तरफ, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो फोर्स होगा वो करंट के भी मैग्नेट परपेंडिकुलर होगा और मतलब वायर के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वायर पर फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये बात ध्यान रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में वायर पर जो फोर्स लगता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, गेटिंग इट, बात घुस रही है बुद्धि में, वायर पर जो फोर्स लगेगा इज ऑलवेज, भूलोगे तो नहीं इसको, पक्की बात। आइडियल क्रॉस आर से निकाल सकते हैं अपन लोग, आइडियल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, आइडियल क्रॉस बी से, सॉरी आइडियल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, आइडियल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डीएफ, समझ गए, किसी प्रकार की समस्या, क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रहता है अपने लेफ्ट हैंड के एक दो तीन अंगूठा, पहली उंगली और बीच की उंगली को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाओ ऐसे, जिससे कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने, आ रही है बात समझ में, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, आगे बात समझ में, ऐसे फैलाओ कि दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेफ्ट हैंड के, कौन सा रूल है ये, तो कौन से वाले फैलाने हैं हमें, लेफ्ट हैंड के फैलाने हैं, ठीक। अब ऐसे कि जो आपकी ये पहली वाली उंगली है ये रहे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कहां रहे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली उंगली कहां रहे करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहली वाली उंगली और ये वाली करंट की तरफ, तो ये आपको फोर्स ऑन अ वायर दे देगा अंगूठा, आया कुछ समझ में, पक्की बात, नहीं आ रही, उंगलियां फैला के दिखा जरा लेफ्ट हैंड की, फैल रही है तुम लोगों से कि नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया, पहली वाली उंगली ये क्या देती है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या देती है, तो ये क्या मिल जाता है, फोर्स ऑन दी वायर, FBI याद रहेगा, FBI ऐसे करके अपन याद कर लेते हैं, बाकी अलग अलग तरीके से याद करते हैं, ठीक है, पर आपको समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेच फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर और थंब लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पहला काम, देन इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भूलेंगे तो नहीं, ये हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हम दूसरी बार शायद पढ़ रहे होंगे, क्लास 10th में भी एक बार पढ़ा है आप लोगों ने, इसीलिए मैं इसको जल्दी निकल रहा हूं,
बाकी क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आते ही है, अभी पहले भी एक जगह क्रॉस प्रोडक्ट सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। F बराबर बी आई एल साइन थीटा में जो L है ना वो परपेंडिकुलर है ना, बोलो हाँ या ना, नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको बेसिकली वहां पर देखो क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज का फ्लो है। चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है तो कोई फोर्स लगेगा? चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फ्लो करेगा तो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना, ये बात तो क्लियर है। और बातें बताता हूं, यदि चार्ज थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में गया, थोड़ी देर के लिए राइट में गया उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो फोर्स लेफ्ट में लग रहा था उतना ही राइट में लगेगा, उसी स्पीड से गया तो। और डायरेक्शन में कैसे रहेंगे एक दूसरे के, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आई बात समझ में कुछ, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या? पक्की बात? देखो तो आप क्या है, पहले तो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, तो वो तो छोड़ दो। यहां पर हमने केस लिया है, उस केस में हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लिया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो इनटू दी पेज दिख रही है तुम्हें, ये सभी वायर परपेंडिकुलर है, ये वायर बिल्कुल सीधा है, ये सेमी आर्क में है, ये ऐसे सीढ़ियों जैसे सांप वाला, ये सांप वाले पोज में है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो जरा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको सिंपली देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर इतने हिस्से में देखें तो चार्ज हमारा राइट से लेफ्ट फ्लो किया, और इतने हिस्से में लेफ्ट से राइट फ्लो किया, केवल इतने हिस्से को देखो, केवल इतने हिस्से को। तो इस हिस्से में वायर पर जो फोर्स लगेगा, अभी हमने एफबीआई वाली वो बताई, तो बी है अंदर, आई है इधर, इस वाले में एफ नीचे लगेगा, बोलो इस वाले इतने हिस्से में फोर्स किधर लगेगा, और इतने हिस्से में फोर्स किधर लगेगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं है, तो जो फोर्स इधर लगेगा वही इधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, करंट बराबर है, फोर्स सेम रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पर जो हिस्से पर फोर्स लगा और इस हिस्से पर फोर्स लगा वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, समझ में आया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, बैलेंस। उसी प्रकार ये बैलेंस कर देगा, राइट, सो ऑन बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली बचता क्या है, केवल और केवल इफेक्टिव लेंथ, ये वाली, ये 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 और इनका, इस पर भी फोर्स एफ बी आई, बी अंदर आई ऊपर, फोर्स इधर लगा इस पर, इस पर भी इधर, इस पर भी इधर, इस पर भी इधर, इस पर भी इधर, फॉर्मूला वही बी आई एल साइन थीटा, यहां पर खैर थीटा 90 डिग्री है, तो इतने की लेंथ प्लस इतने की लेंथ प्लस इतने की लेंथ प्लस इतने की लेंथ सब हमारी और इतनी एड गो करके यही लेंथ तो बनेगी टोटल। तो इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स तो इस वायर पर भी लग रहा है। ये क्या हुआ, आई बात समझ में कि नहीं आई? जो फोर्स हमारा इस खाली सीधे वायर पर लग रहा है वही फोर्स तो इस पर भी लग रहा है। तो इससे क्या सीख मिली हमें कि अगर वायर में देखो ऐसे जा रहे तो ऐसे आ रहे हैं, आपको इफेक्टिव लेंथ देखनी है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, बस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इफेक्टिव लेंथ देखनी है, वही हमारा आंसर है। लेंथ में जो बी आई एल साइन थीटा है उसमें बी को वैसे रहने दो, आई को वैसे रहने दो, एल के साथ साइन थीटा लिख दो, एल साइन थीटा, मतलब ऐसा है जैसे कि लेंथ वायर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप इस लेंथ के दो कॉम्पोनेंट करो, एक इधर हो गया एल कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट, एक इधर हो गया एल साइन थीटा का कॉम्पोनेंट। अब इस वाले वायर का हिस्से में करंट इधर जा रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इधर परपेंडिकुलर तो फोर्स लगेगा बी आई एल, एल की जगह लिखेंगे एल साइन थीटा। तो बेसिकली तुम्हें परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ देखनी है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी भी है उसको सेट कर लेंगे परपेंडिकुलर निकाल के आंसर, समझ गए? और हमेशा जो एल है वो हमारी है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। शाबाश, क्लियर हो गया, पक्की बात? सोच लो अगर हम एक पूरी लूप ले ले, लूप तो उसके आधे हिस्से में फोर्स लगेगा इधर और आधे हिस्से में लगेगा इधर, तो लूप पर नेट फोर्स क्या लगेगा, समझ में आया? अब फोर्स की परिभाषा कोई बताएगा, किसे कहते हैं फोर्स, एनीवन कैन,
डेफिनेशन ऑफ फोर्स गधों, क्या मास? तू क्या कह रहे है? कुछ बोल, क्या पुश एंड पुल विच कैन नेट एक्सेलरेशन लेके आए, उसी को फोर्स कहेंगे। एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो फोर्स ही नहीं लग रहा, अगर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स है मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो है। हो सकता है, हो नहीं सकता है, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, पर फोर्स तो हो ही सकता है ना। नहीं आ रही बात समझ में, मजा नहीं आ रहा भाई साहब। फोर्स की परिभाषा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से देते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इट? जो ऊपर के तीनों चीजें मैंने बताई हैं उनके लिए नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जिस स्पीड से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, वैसे चलता रहेगा अगर नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो भी है तब भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, से यस और नो? ये बॉटल है मेरे पास, ठीक है, बॉटल में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? बॉटल का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है क्या? तो फोर्स लग रहा है क्या? तो फोर्स नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब फोर्स ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? नेट फोर्स और फोर्स दो अलग अलग चीजें हैं। तो फोर्स में ये जो हम चौथी वाली चीज है ना, शेप एंड साइज चेंज करने वाली, उसको हम ध्यान नहीं देते आमतौर पर, इधर देना पड़ेगा। किसके लिए? खास करके लूप के लिए। अभी लूप के लिए आएगा तो अपन मेहनत करेंगे उस पर। तो समझ आए यहां पर? आपको बस इफेक्टिव लेंथ लेनी है। कौन सी लेंथ लेनी है? इफेक्टिव लेंथ लेनी है। इन सबके सब में फोर्स सेम लगेगा, बी आई एल साइन थीटा, मतलब यहां तो साइन थीटा बनी है। समझ गए? ओके, ये तो मैंने बताई थी, अभी जस्ट बताया इफेक्टिव लेंथ लेनी है हमें। अब आते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये लॉन्ग वायर है। कैसे वायर है बच्चा लोग? लॉन्ग वायर। अब अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर हैं तो क्या होगा? करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है तो क्या होगा? एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। ये वायर में करंट फ्लो है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही यस और नो? ये वायर में करंट फ्लो कर रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही यस और नो? इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया, सही यस और नो? अब हम क्या करते हैं, जो वन की मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को मिल रही है उसको बी वन लिख लें। वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन किधर आ रही है? कैसे निकालते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? कैसा होता है राइट हैंड थंब रूल? हाँ हाँ बता, कैसा होता है राइट हैंड थंब रूल? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सॉरी ऑफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंब थंब एंड द मैग्नेट एंड द फील्ड फोर्स फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अदर फिंगर्स। मजा नहीं आया लेकिन हाँ यही है, राइट हैंड थंब रूल होता है।
suppose you are holding the wire with your right hand such that thumb is in the direction of current, then fingers encircling will give you the direction of magnetic field lines. इसका short तरीका ये है कि ऐसे फैलाओ हाथ को, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में और पाम जिस तरफ को पॉइंट कर रही है, अंदर पाम पॉइंट कर रही है, पाम पाम हथेली अंदर पॉइंट कर रही है, उधर ही है मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? इनटू द पेज. ठीक है, उसी प्रकार I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगी वो मिलेगी बी टू. बी टू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टू डिवाइड बाय टू पाई आर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब आउटसाइड ऐसे किया हमने, ऐसे किया, समझ आ गया. अब इसके बाद क्या होगा, हमें निकालना है फोर्स. अब इसको छुपा दो, समझ लो ये है ही नहीं. ठीक, और हमने देखो फोर्स निकालने के लिए लेंथ जरूरी होती है, सही है सर? नो. तो हमने कोई एल लेंथ ले ली, मतलब अब तुम्हें ऐसे अज्यूम करना है कि ये वाला हिस्सा है ही नहीं, ये वाला वायर है ही नहीं, बस उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है खाली, ये वायर है ही नहीं, बस ऐसे समझो वो गया, वो है ही नहीं. अगर वो नहीं है तब फिर क्या रहेगा, आपका जो फोर्स है वो बड़े आसानी से सिंपल एक वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले से निकल आएगा. वो क्या होता है फॉर्मूला, अभी अभी सीखा हमने, फोर्स ऑन वायर वन कितना हो जाएगा? बी आई एल साइन थीटा, तो वो तो साइन थीटा तो वन है 90 डिग्री, तो बी आई एल, तो बी कौन सा? बी टू. I कौन सा? I1. और L लेंथ पर निकाल रहे हैं, तो देखो लॉन्ग वायर है तो आप फोर्स नहीं निकाल सकते, आप निकाल रहे होंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो L को नीचे ले जाओ, तो F1 अपॉन L कितना हो गया? B2 I1. बोलो हाँ या ना? B2 कितना है? म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई R I1. ठीक, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं फ्लेमिंग के? क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में? पहली उंगली ये आ गई. करंट किधर है? ऊपर. फोर्स किधर लग रहा है? राइट में. तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ वन वो लग गया किधर? राइट में. बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? उसी प्रकार फोर्स इस पर निकालते हैं तो एफ टू पर यूनिट लेंथ आएगा, म्यू नॉट I1, अच्छा सॉरी हाँ I1 का मल्टीप्लाई कर तो दिया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? इधर. बोलो हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड किधर आई? इनटू द पेज. करंट किधर है? ऊपर. अंगूठा किधर आ गया? लेफ्ट में. आई बस वन में, यानी कि जब अब इन दोनों को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया. यानी कि जब दो वायर ऐसे रखे हो तो जो फोर्स लगेगा जब ऐसे रखे हो तो जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, हम फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, हम क्या निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ. दोनों में सेम लग रहा है, किसी फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करेंगे कब? जब करंट सेम डायरेक्शन में हो. अगर करंट अपोजिट में हो तो रिपेल करेंगे, डायरेक्शन बदल जाएगी बस मैग्नेटिक फील्ड की. तो फिर इस पर लगेगा फोर्स इधर, इस पर लगेगा इधर, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. तो बोलो हाँ या ना? और तो कुछ नहीं हुआ ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा. ये है दो पैरेलल करंट कैरिंग लॉन्ग वायर प्लेस्ड नियर ईच अदर, देन दे विल फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिकॉज दे आर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर. ठीक है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट. आया समझ में कि नहीं आया? किसी को किसी प्रकार की समस्या है क्या? सोच लो जरा, सिंपल है ये वाली बात? आ गया समझ में? डन. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े अपन. ओके, यही आया हमारा म्यू नॉट. अब यहां पर मैंने कहा था ना हमेशा 4 पाई कर लिया करो, ये बोला था ना, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे मल्टीप्लाई. ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ. आप फोर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वायर जो है इनफाइनाइट है, यहां पर ए दोनों के बीच की लेंथ है. फोर्स कब अट्रैक्शन का होगा, कब रिपल्शन का होगा, समझ में आ गया? जब सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन, अपोजिट होगी तो रिपल्शन. क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन में है, रिपल्शन अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? देख लो भाई, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, पूछो पूछो. पक्का?
आज तो भाई साहब बहुत खाना खाया है मैं सवेरे से, ज्यादा हो गया। अच्छा बना था खाना। फिर मेरी छोटी सी बेटी है, वो 2.5 साल की, 3 साल की होने वाली है, कह रही पापा खाना ले जाओ टिफिन। हमने की अब तो हो गया बेटा, बहुत खा लिया मैंने। कह रही है, 3 साल की है वो, कह रही है आप खाना नहीं ले जाओगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। हमने की मतलब, कह रही खाना ले जाके बच्चों को दे देना ना, आप पढ़ाओगे कैसे उन्हें खाना नहीं दोगे तो। बहुत दिमाग काम कर रहा था वहां। हम मतलब टिफिन लेके बच्चों के लिए जाते हैं बच्चों को दे देना ना, पढ़ाओगे कैसे फिर उन्हें। हमने अच्छा, पहली बार जब मैंने बताया, जैसे अभी थोड़ी सी उसमें ही मैंने बताया बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्यों पढ़ाने जा रहे हो, क्या होगा, तो मैंने मन में सोचा होगा तो ऐसे कुछ खास नहीं बने पढ़ता रहेंगे लेकिन हो सकता है थोड़ी मेहनत करके कुछ हो जाए। मैंने कहा होता है बेटा होता है, बच्चों को सच नहीं बता सकते ना सब बातें क्यों जा रहे हो पढ़ाने, क्या होगा। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, ये वाली बात अपन को थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन है वो आप अगर चाहोगे खुद से तो कर लोगे। मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा पर मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। देखो, दो चार्ज पार्टिकल अगर क्लोज टू इच अदर सिर्फ रखे हैं तो उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यस और नो? लगेगा ना, वो सिंपल फॉर्मूला है कूलम्स लॉ वाला, उसमें तो कुछ करना नहीं है। अब लेकिन अगर मान लो दोनों चार्ज पार्टिकल मूविंग है तब तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी ना, क्योंकि एक वही जैसे भी वायर की मैग्नेटिक फील्ड तो अब चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो फोर्स लगेगा केवल और केवल हमारा 1/4πε0q1q2r2। लेकिन अगर वो मोशन में है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये फॉर्मूला आपको अभी तो मैं याद करा रहा हूं लेकिन इसकी हिंट देता हूं मैं तुम्हें। देखो, जैसे ये क्यू वन है, सोचो कि सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से स्पेस में चला जा रहा है खाली जगह में, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। हमने वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाना सीखा कि नहीं सीखा? कौन सा लॉ था? वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फॉर्मूला था? कौन सा फॉर्मूला था? दो लॉ पढ़े गधों, क्या पन्ने पलट रहा है इतने में? सही कह रही थी मोड़ी, कुछ नहीं हुआ पढ़ा के। अरे यार गलत ही तो होगा, बोल तो दो कम से कम। बायो सेवर्ट लॉ, फिर बायो सेवर्ट के साथ एक और लॉ पढ़ा था, कौन सा? एम्पियर सर्किटल लॉ। पता नहीं ऐसे सोच रहे हैं, हाय राम क्या हुआ भैया, डेढ़ एक ही मिनट मिलता है एक सवाल करने का, इतना ज्यादा हड़बड़ाओ नहीं, इतना ज्यादा हड़बड़ाओगे घबराओगे तो पेपर में कैसे करोगे फिर? कुछ चीजें ऐसी थोड़ी होती है मुश्किल, सब आसान होती है, बस हम घबरा जाते हैं तो भूल जाते हैं। सुनो, अब बायो सेवर्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा था? म्यूनोट अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आई को हम क्या लिख सकते हैं? डीक्यू अपॉन डीटी, डीएल अपॉन डीटी हो जाएगा, डीएल अपॉन डीटी को वी लिख दो, स्पीड सिंगल चार्ज पार्टिकल की, और डीक्यू चार्ज के कारण जो स्पीड का जो फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यूनोट अपॉन 4π डीक्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? लिख के बताऊं फॉर्मूला, चार्ज पार्टिकल के कारण जो आएगा, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, वी स्पीड से जा रहा है इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी से वी से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वो आएगा हमारा डी बी, या बी ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π, आई की जगह डी क्यू अपॉन डीटी लिखते हैं तो क्यू और डीएल अपॉन डीटी हो जाएगा, वी हो जाएगा कि नहीं? साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, सिंपल है ना? अब अगर यहां पर मैं एक दूसरा चार्ज रख दूं क्यू डैश तो उस पर फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा? लॉरेंट्ज़ फोर्स मैग्नेटिक। कितना होता है?
मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, क्यू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी वो बी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन के बीच में एंगल है, अब मैं उसको थीटा नहीं लिखता, अब मैं फाई लिखूंगा। तो जो फोर्स लगेगा क्यू डैश पर वो हो जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू इंटू क्यू डैश हो गया। वी किसका है, और इसकी इसकी स्पीड क्यू डैश की स्पीड मान लो वी डैश है, तो क्यू क्यू डैश वी वी डैश साइन थीटा साइन फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जरा मुझे सोच करके बताओ ये जो साइन थीटा है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, क्यू और आर के बीच का। आप सोच के बताओ ये फाई किस, ये फाई किसके किसके बीच का एंगल है, वी डैश और बी के बीच का, समझ गए। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस पर फोर्स लगाएगी मूविंग क्यू डैश पर, अगर ये वी डैश से मूविंग है तो बी डैश और वी डैश के बीच का एंगल है फाई। थीटा वी और आर के बीच का एंगल है, वी और आर के बीच का एंगल है। कुछ कुछ आया समझ में, ये फॉर्मूला पता कहां से आया, फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ। फाई इज द एंगल बिटवीन वी डैश एंड बी, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो क्यू मतलब क्यू डैश, वी मतलब वी डैश, साइन थीटा मतलब साइन फाई। थीटा हम पहले यूज कर चुके इसलिए साइन फाई। बोलो हाँ या ना, समझ आ गया, ये क्लियर है, किसी प्रकार की समस्या इसको समझने में, बोलो। ये नीट के लिए इतना जरूरी नहीं है, जेई के लिए जरूर जरूरी है। फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लेना, शॉर्ट नोट्स में जरूर ले आना। तो देखो फॉर्मूला फाइनल, ये तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया तो फॉर्मूला तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी तो आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वन क्यू टू वी वन वी टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, साइन थीटा साइन फाई दोनों ही वन हो गए, क्यों, ये एंगल हो गया थीटा, क्लियर है कि नहीं है। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इनटू द पेज बनेगी, बोलो हाँ या ना, तो इनटू द पेज बनेगी, तो वी टू और इनटू द पेज के बीच में एंगल फाई हो गया 90 डिग्री, तो थीटा भी 90 डिग्री और फाई भी 90 डिग्री, तो साइन थीटा वन साइन फाई वन, तो आ गया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाए, देख लो जरा ठीक से समझ लो, क्लियर है कि नहीं। अब अगर हम एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, दो मूविंग चार्ज पार्टिकल है इस स्थिति में है 90 डिग्री वाले सिचुएशन में, ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं और एक दूसरे सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। आपको अगर इन दोनों का रेशियो के बारे में बात की जाए, हमसे पूछा जाए कि इनका रेशियो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो क्या है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस Fm upon at, Q1 Q2 Q2 कटेगा, R square कटेगा, 4 pi कटेगा, बचेगा क्या, mu not upon epsilon, mu not into epsilon not, V1 into V2, बोलो बचेगा कि नहीं, देख लो। तो Fm upon Fe किया हमने, 4 pi कटा, Q1 Q2 कटा, R square कटा, mu not और epsilon not ऊपर चला गया, बचा क्या, mu not epsilon not V1 V2। मान लो किसी जगह, अच्छा उन्हें लगातार ऐसे चलना है तो दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। इफ वी वांट देम टू कंटिन्यू इन दिस पाथ, ऐसे चलना है, देखो वो ऐसे तो नहीं चलेंगे, वो ऐसे चलेंगे, ऐसे को नहीं आ रही मेरी बात समझ में, क्योंकि अट्रैक्शन का लग रहा है ना मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक रिपल्शन लग रहा है, मैग्नेटिक जीत जाएगा, तो ऐसे को चलेंगे वो, थोड़ा सा आर में चेंज आएगा बस, लेकिन V1 V2 हमारा भाई आर तो कट गया ना, आर से फर्क पड़ रहा है क्या, आर तो कट गया, तो जो रेशियो अगर इसको यही चला के रखना है तो V1 और V2 की जगह क्या लिख देंगे हम, V, तो V into V कितना हो जाएगा, V square हो जाएगा कि नहीं, μ0 εr0 V square, और μ0 εr0 को 1/c² लिखते हैं, जहां C is the speed of light, C की वैल्यू 1/√μ0 εr0 भी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 1/√μ0 εr0, इसको याद कर लो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ाऊंगा मैं और वैसे भी बता चुका हूं मैं एक बार,
नहीं तो इसको याद कर लो अभी. सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट. अगर किसी दूसरे मीडियम में चले गए तो वहां पर म्यू और एप्सिलॉन आएगा, समझ गए? लेकिन मीडियम बदलने पर स्पीड ऑफ लाइट इसी प्रकार से बदलेगी. म्यू है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन है परमिटिविटी. ठीक है, आगे बढ़ जाएं. ओके, स्टैंडर्ड केसेस फॉर फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग वायर. अब ये कुछ सवाल की जुगाड़ है जो हमने अभी सीखा, उस पर जुगाड़ है सवाल कैसे आएंगे तो क्या करेंगे. आप मान लेते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग आर्बिटरली करंट कैरिंग लूप है और वो प्लेस कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड में. अगर एक आर्बिटरली करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो जो फोर्स होता है वो करंट के परपेंडिकुलर लगता है कि नहीं? तो लूप में हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा. मतलब ऐसे समझो, तुम एक रस्सी ली लंबी सी, उसका दोनों छोर बांध दिया आपस में तो लूप बन गई और ऐसे पड़ी है. आप सबसे कहा एक काम करो बच्चों, उठाओ इसको और खींचो. आपने सबने उठाया ऐसे में और खींचा तो वो रस्सी का शेप फाइनल कैसा होगा? बच्चों की संख्या मतलब लिमिटेड नहीं है और सब बच्चे बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा जहां से जितने से पकड़ो बराबर, और बच्चे चाहे जितने हो सकते हैं तो चारों तरफ से पकड़ेंगे, बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे. तो जैसे ही एक आर्बिट्रेरी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर फोर्स और करंट फ्लो कराते हैं, तो उस पर फोर्स कैसा लगता है? बाहर की तरफ का, जिससे कि उसका शेप बदल के कैसा हो जाता है? सर्कुलर. सर्कुलर शेप होने के बाद इस पर जो नेट फोर्स आता है वो होता है जीरो. बताया मैंने कि नहीं बताया? जो इस पर नेट फोर्स आएगा वो कितना रहेगा? जीरो. लेकिन क्या इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा? मतलब वो बच्चे सब पकड़ के खींच के खड़े हुए हैं और वो कहीं नहीं जा रही, जो लूप है रस्सी वो कहीं नहीं जा रही. बीच से मैं आया, मैंने कैंची से कट काट दी, सब गिरेंगे इधर किधर इधर किधर. क्यों? सब खींच रहे थे. क्यों? रस्सी में तनाव था, खींच रहे थे इसलिए तनाव था. नहीं आ रही बात? आ रही बात समझ में? ये जो टेंशन होता है इसमें, टेंशन इसमें वो होता है बी आई आर. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप. जो आर्बिटरी लूप सर्कल हो जाएगी उसका मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है, लेंथ ऑफ द लूप दे रखी होती है, लेंथ ऑफ द लूप एल. तो टू पाई आर बराबर एल करके आर बराबर एल अपॉन टू पाई हो जाता है. तो आर निकालना पड़ता है सो मेनी टाइम्स. ये जो बी आई आर हुआ ये समझ में नहीं आया होगा तुम्हें कैसे हुआ. अब जो मैं यहां पर तुम्हें बता रहा हूं, जो मेथड में सिखाने वाला हूं, वो इकलौता नहीं है. मतलब वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर है, वो और भी जगह तुम्हें मिलेगा. आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं जो समझाना चाह रहा हूं देखो क्या है, समझो. मान लो हमारे पास एक लूप है, ये लूप है हमारे पास, अब बन चुकी है, ये सर्कुलर बन चुकी है. इसकी जो रेडियस है वो आर है फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा. देखो हम बहुत ही छोटा सा बोल तो रहे हैं लेकिन हम बड़ा सा लेंगे वो, पर वो समझो बहुत ही छोटा सा लिया हमने. तो मैंने यहां से यहां तक का बहुत ही छोटा सा आर्क लिया, तो ये जो आर्क की लेंथ मैंने ली है, ये लेंथ ली है मैंने डीएल. अच्छा, आर्क आपको देखने में आर्क जैसी लग रही है, पर अगर ये डीएल बहुत ही स्मॉल है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है. यस और नो? ये आर्क मैग्नेटिक फील्ड में रखी करंट कैरिंग आर्क हो गई, ये तो बोलो हाँ या ना. और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है तो तभी तो ये गोल हुई है. तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, समझ गए? ऐसे ही होगा, बी आई एफ ऊपर, कहीं भी देख लो तुम, बी ऐसे आई ऐसे ऐसे एफ बाहर की तरफ को आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस जगह पर भी लगेगा, डीएल लेंथ है, छोटा फोर्स डीएफ लगेगा, करंट आई है, लेंथ डीएल है और एंगल इसके और उसके बीच में 90 डिग्री है. तो जो डीएफ फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स जो लगेगा, वो हमारा हो जाएगा आई बी इंटू डीएल. साइन थीटा वन हो जाएगा, आई बी इंटू डीएल हो जाएगा. बोलो हाँ या ना? किसी को किसी प्रकार की समस्या? अब आर्क लेंथ डीएल है,
तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इक्वल्स टू थीटा इनटू रेडियस. अब थीटा लो, आर्क का एंगल यहां पर और यहां पर. अब छोटी सी आर्क है तो छोटा सा एंगल होगा, कितना छोटा सा? डी थीटा. कितना छोटा सा एंगल होगा? डी थीटा. वो जो डी थीटा एंगल होगा, हमने क्या किया, इसको ऐसे 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 करके बिल्कुल बीस से काट दिया. इस तरफ डी थीटा बाई टू बचा, इस तरफ डी थीटा. मैं बताता हूं ऐसा क्यों. मतलब देखो, ये रस्सी खींच रही है ना, तो रस्सी में एक टेंशन तनाव डेवलप होगा कि नहीं, हाँ या ना? yes. जो इधर और इधर होगा. सिर्फ इस आर्क की बात करो, खींची हुई आर्क. नहीं आ रही बात समझ में? मतलब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, वो सुनो. ये रस्सी को सब कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, पर फिर भी रस्सी कहीं नहीं जा रही है. यानी कि कोई ना कोई तो बैलेंस कर रखा है ना उसको. वो बैलेंसिंग फोर्स है हमारा उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए, वो बैलेंसिंग फोर्स है हमारा टेंशन का कॉम्पोनेंट. इसीलिए रस्सी में टेंशन डेवलप होगा. ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये अब जो गणित सिखा रहा हूं, जो गणित फिजिक्स जो कॉम्बिनेशन है, ये जो शिखर सीख रहे हैं आप, यू कैन यूज इन मोर देन वन प्लेसेस. इट्स नॉट ओनली एलिजिबल फॉर दिस मेथड, इज नॉट ओनली एप्लीकेबल हियर. दिस पर्टिकुलर मेथड कैन बी यूज्ड मल्टीपल प्लेसेस. सरफेस टेंशन में भी यूज होता है. सरफेस टेंशन में यूज होता है. एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में कुछ सालों पहले, ठीक है, जहां फिर भी आपको लगे कि एक लूप है, उसको खींचा जा रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो उस लूप में टेंशन आ गया. फोर्स कोई दूसरा हो सकता है. अभी कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, बिल साइन थीटा वाला. वैसे कोई दूसरा भी हो सकता है. सरफेस टेंशन का भी फोर्स हो सकता है सरफेस टेंशन के केस में. पूरी गणित और फिजिक्स ऐसे ही लगेगी. फोर्स बदल जाएगा, बस टेंशन वैसे ही आएगा. अब अगर ये ऐसे है तो हम इसके एक काम करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं दोनों तरफ. तो ये आधा एंगल कितना हुआ? डी थीटा बाय टू. जरा गौर से देखो मेरे दोस्तों, ये जेड बन गया. तो अगर ये डी थीटा बाय टू है तो ये वाला एंगल भी डी थीटा बाय टू हो गया. अगर ये डी थीटा बाय टू है तो टेंजेंट अलोंग दी टेंजेंट लगेगा टेंशन. टेंशन तो लगता ही है ना अलोंग दी लेंथ. तो अलोंग दी लेंथ क्या हुई? टेंजेंट के लोग. तो टेंशन अलोंग दी टेंजेंट लगेगा. टेंजेंट और ये है रेडियस. क्या एंगल होता है टेंजेंट और रेडियस का? 90. तो अगर ये डी थीटा बाय टू है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस डी थीटा बाय टू. फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल बनाया. अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाय टू है तो ये कितना हो गया? डी थीटा बाय टू. तो सिर्फ इस आर्क पर नीचे की तरफ का फोर्स कितना आएगा? इस टी के कारण कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी. अरे डी थीटा बाय टू इधर होगा ना, तो इधर आ गया 90 माइनस, तो हो गया टी साइन डी थीटा बाय टू. बोलो. और इधर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाय टू. उसी प्रकार इधर पे आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाय टू. और इधर आ जाएगा टी. मैं केवल आर्क आर्क को अलग कर देता हूं. ये आर्क हो गई. yes, इस आर्क पर इधर फोर्स लग रहा है टी साइन डी थीटा बाय टू. इधर फोर्स लग रहा है टी साइन डी थीटा बाय टू. इधर लग रहा है टी कॉस डी थीटा बाय टू. इधर लग रहा है टी कॉस डी थीटा बाय टू. और इधर लग रहा है डी एफ. और ये क्या है? आर्क कैसे में है? कैसे में आर्क? कैसे में है? कैसे में है आर्क? कैसे में है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट. चलो इसको तो कैंसिल कर दिया, लेकिन df और ये कितना हो गया? 2t टी साइन डी थीटा बाय टू. So we can say df is equals to 2t sin d theta by 2. अब d theta कैसा एंगल है? बहुत छोटा. तो sin बहुत छोटा एंगल कितना होता है? तो d theta by 2 हो जाएगा. तो df
इज इक्वल्स टू टी डी थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहां पर साइन डी थीटा बाय टू कैन बी रिटन एज ओनली डी थीटा बाय टू, यस और नो? तो df की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं अपने फॉर्मूले से जो अभी इस चैप्टर में सीखा हमने, आई बी इंटू डीएल, और आई बी इंटू डीएल की जगह कितना हो जाएगा r d थीटा। तो df की जगह हम आई बी आर डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से बी आई आर हो गया हमारा टेंशन डेवलप्ड इन दी करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इफ रेडियस इज नॉट गिवन, रेडियस नहीं दी, इंस्टेड क्या दिया हमें, क्या दिया गया है, रेडियस नहीं दी, क्या दिया गया, लेंथ। मैंने कहा था ना कई बार जैसे रैंडम लूप रखी तो वो लूप में क्या देंगे, रेडियस थोड़ी होगी, क्या देंगे, लूप लेंथ। इंस्टेड लूप लेंथ इज गिवन, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा फिर, ये लूप लेंथ अगर हमें गिवन है तो फिर क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू टू पाई आर, R is equals to L upon 2 pi। तो इस तरीके से हमारा कितना हो गया, B I L upon 2 pi is extension in the loop when it forms a circular shape, when it acquires the circular shape, तब उसमें जो टेंशन आएगा, फोर्स जो लगेगा, वो टेंशन जो लगेगा उस पर वो लगेगा ये बी आई आर या बी आई एल बाई 2 pi। समझ गए कि नहीं समझ गए, भूल जाओगे इसको, मेथड याद रखोगे। मेथड में हमने मेन जो है क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा आर्क का लिया और उस आर्क पर हमने फोर्सेस का कैलकुलेशन किया। तो उस आर्क पर हमारे दो फोर्स लग रहे हैं, एक्चुअली में तीन फोर्स लग रहे हैं, बट वो ये जो टी है वो दोनों तरफ लग रहा है, खिंचाव तनाव दोनों तरफ लगता है, इक्वल लगता है। रस्सी उधर बांध दो और इधर से तुम खींचो तो जो रस्सी में इधर टेंशन है वही उस तरफ दूसरी तरफ इस तरफ को टेंशन है। आया समझ में? तो जो उसमें करंट कैरिंग लूप में टेंशन आएगा वो दोनों तरफ लगेगा और वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो डीएफ है वो 2t sin थीटा बाय 2 से बैलेंस हुई होगी, बाकी अपना काम खत्म, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। ये जो डायग्राम है इसको तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा तुम्हारा, ध्यान रखना इस बात का, बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये मेथड आपको याद रखना है, मल्टीपल जगह यूज हो सकता है, शॉर्ट नोट्स में लेके आना इसको, मेथड को डायग्राम बनाना शॉर्ट नोट्स में मेथड का, समझ गए? शॉर्ट नोट लाइक चीज है क्योंकि मल्टीपल प्लेसेस पे ये मेथड आता है, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो भाई, तो ये जो बी आई आर है समझ में आ गया, कैसे आया बी आई आर, टेंशन। अब आ जाते हैं हम लोग, क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखो इक्विलिब्रियम कैसे, जैसे कि एक फिक्स्ड बड़ा सा लॉन्ग वायर है और एक छोटा एल लेंथ का वायर आई टू करंट लेके हम इसको लटका रहे हैं, मतलब इसको लेविटेट करा रहे हैं। लेविटेट मतलब समझते हो ना, जहां भी लेविटेट शब्द है उसका मतलब है उसका वेट बैलेंस किया जा रहा है किसी फोर्स से। नहीं आई मेरी बात समझ में? लेविटेट देखो, इसको तो लेविटेट नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने पकड़ रखा है, बट लेट से इसमें मैंने बहुत सारा लोहा भर रखा है, ठीक है, और मैं ऊपर छत पे मैग्नेट लगा रखी है, तो वो इसे अट्रैक्ट करेगा, वेट इसको नीचे लेके आएगा, दोनों एक दूसरे को चांसेस क्या है बैलेंस कर ले, तो वो क्या करेगा, लेविटेट। आया समझ में? बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट है बलून का। क्या होता है, एक हीलियम बलून लो, उस हीलियम बलून में रस्सी बांधो, सूत्री बांधो, सूत्री थोड़ी भारी होती है ना, और वो सूत्री मतलब छोटी सी सूत्री नहीं बांधो, पूरी बहुत लंबी सूत्री बांधो और उसको धीरे 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 करके छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा,
अब ऐसे ऊपर जाता रहेगा तो उससे लटकी हुई सुतरी की वो भी बढ़ती रहेगी। एक कंडीशन आएगी कि सुतरी जो उससे लटक रही है, जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, वो और फोर्स ऑफ बॉयंसी जो बलून पे लग रहा है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये बलून कैसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। उस कंडीशन वहां से तुम काट दो, सुतरी को काट दो और फिर उस सुतरी को छोटा 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 करके बिल्कुल बलून में चिपका दो। नाउ योर बलून इज परफेक्टली बैलेंस्ड। बलून को लो, इधर छोड़ो वो इधर रुक जाएगा, ऊपर छोड़ो ऊपर रुक जाएगा, इधर छोड़ो इधर रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेविटेशन। बोयंसी को उससे मतलब हवा में ही लटका दिया। समझ में आया? जो मैगलेव ट्रेन होती है उनका नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। वो एक्चुअली में पटरी पे चलती नहीं, उनके पहिए नहीं होते, वो लेविटेट करती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है। बोला ट्रेन, उसमें पहिए नहीं होते, समझी? बुलेट ट्रेन में पहिए नहीं होते। बुलेट ट्रेन मैग्नेटिक प्रिंसिपल के साथ, वो मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जो ट्रेन का नीचे हिस्सा होता है उसमें भी चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और पटरी में चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और वो लेविटेट करता है तो फ्रिक्शन बच जाता है, इसलिए वो उतना तेज भाग पाते हैं। समझे? चलो, तो पर यूनिट लेंथ फोर्स तो अभी हमने निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई वन आई टू अपॉन एच। तो यहां पर क्या है, इससे एच हाइट पर इसको बैलेंस करना रखा है, तो इसकी लेंथ एल है, तो एम जी को इस फोर्स से बैलेंस कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेविटेशन। सेम गोज हियर, इधर पे वो नीचे है। समझ गए? जब दोनों में अपोजिट है तो रिपेल करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और दोनों में सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको नीचे लेविटेट कराना पड़ेगा। इस वायर के जो फिक्स वायर है उसके नीचे लेविटेट करेगा, इसमें उसके ऊपर लेविटेट करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन आएगा। फॉर्मूला फोर्स का यही लगेगा, सिचुएशन यही लगेगी। क्लियर है? एक इनफाइनाइट लेंथ का फिक्स वायर है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में हम एक वायर को, मूवेबल वायर को, लेंथ एल के वायर को लेविटेट करा रहे हैं। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं करंट कैरिंग स्प्रिंग। अभी आने से पहले तो मुझे बताओ क्या होगा स्प्रिंग में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक स्प्रिंग रखी हुई है, हाँ हाँ हाँ, सोलेनोइड हो जाएगा, तो सोलेनोइड मैग्नेट नहीं है क्या? तो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फोर्स नहीं लगेगा क्या? हाँ, तो वो बताओ कैसा हो, क्या होगा उसमें? जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें तुम करंट फ्लो कराना शुरू करते हो और ये पूरे में रखी है कहां, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? टेंशन, क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, हाँ ठीक है, तब इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी रखो, फिर बताओ करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? सोलेनोइड हो गया, तो क्या हो, दो स्प्रिंग है, लेकिन वो सोलेनोइड में तो वो स्प्रिंग वाला नेचर नहीं होता ना। स्प्रिंग का क्या नेचर है? इलास्टिक नेचर है, खींचना और दबना नेचर है। सोलेनोइड में ऐसा कोई नेचर नहीं है। समझ गए? अब बताओ इसमें स्प्रिंग में करेंगे तो क्या होगा? सबके सब सिंगल सिंगल लूप हो गए, हर लूप में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, हर लूप की सेम मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो हर लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर सारे लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये सिकुड़ नहीं जाएगी, यही तो बस बताना था, सिकुड़ जाएगी, बस खत्म। एक स्प्रिंग है उसको हमने लटका दिया, सिकुड़ जाएगी, कहानी खत्म, पैसा जाओ। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ गए? ठीक है, बस यही तो था।
बस यही तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. If current is passed through a spring, then it will contract because current will flow through all the turns in the same direction. अच्छा एक जो केस है मस्त केस है ये. इसमें क्या रहता है, ये जो स्प्रिंग है ना उसका एक छोर हमने मरकरी में डुबो रखा है. मरकरी क्या है? मेटल. मेटल क्या होती है? कंडक्टिंग. तो हमने एक बैटरी का एक सिरा तो स्प्रिंग के ऊपर जोड़ दिया और एक सिरा हमने मरकरी में डाल दिया. अब स्प्रिंग सेल्फ लेंथ से नीचे आएगी, नीचे आएगी वो किस में टच होगी? सर्किट क्या होगा? करंट क्या होगी? फ्लो होने पर ये स्प्रिंग क्या होगी? तो क्या होगी? ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा तो सर्किट, करंट, फिर वेट की वजह से फिर नीचे आएगा, फिर से फोर्स लगेगी, फिर से वो मैग्नेटिक, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, ऐसे चलता रहेगा. तो इफ स्विच इज क्लोज्ड देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, स्प्रिंग विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशन इन वर्टिकल प्लेन. नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्तें हैं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. यहां पर तो ऐसा नहीं होगा, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं और एक टाइम बाद वो वाला फोर्स बंद हो जा रहा है, दूसरा वाला फोर्स नीचे लग रहा है. आया समझ में? समझ गए? ठीक है. टेंशन लेस स्ट्रिंग क्या है? टेंशन लेस स्ट्रिंग देखो, हमने एक वायर लिया, इस वायर को दो धागों से बांधा, ठीक है, वायर को दो धागों से बांधा और ये जो वायर है एम मास का है, तो ये वायर नीचे की तरफ वेट लगाएगा कितना? mg वेट लगाएगा. अगर मान लो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर भी टेंशन t रहेगा और यहां पर भी टेंशन t रहेगा. 2t बराबर mg, t बराबर mg by 2, सब खुश. सिमेट्री के केस में जैसे ही हमने इस वायर में करंट फ्लो कराना शुरू करी वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, यस और नो? तो जो mg होगा और fm होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. अगर हम चाहते हैं कि इसमें टेंशन ना आए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए? बैलेंस हो जाने चाहिए, लेविटेट करने चाहिए. ये वही केस है टेंशन लेस स्ट्रिंग, सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स टेंशन लेस. हमको पूछा जाता है फॉलोइंग फिगर्स वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ जिससे कि ये टेंशन लेस हो जाए. तो नीचे की तरफ एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ बीएल साइन थीटा लगेगा, दोनों एक दूसरे को करेंगे बैलेंस और ये रस्सियां जिनसे ये हमारा वायर लटका रखा है ये क्या हो जाएंगी? वायर लेविटेट करेगा. सेम लेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहे हैं? कितने छोटे छोटे केस हैं लेकिन बढ़िया बढ़िया केस हैं. ठीक है, फिर आते हैं हम लोग स्लाइडिंग ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड ऑन इंक्लाइंड रेल्स. अब ये इंक्लाइंड रेल है, इंक्लाइंड रेल है, लेट्स से फ्रिक्शन है, लेट्स से फ्रिक्शन नहीं है. पहले बिना फ्रिक्शन के देख लेते हैं, फ्रिक्शन भी होगा तो कौन सा तूप करकेगा जो कुछ बड़ा कर काम कर लेगा. फ्रिक्शन भी एक छोटा सा छुटकू सा फोर्स है जो तब आता है जब या तो स्लाइडिंग हो रही हो या फिर होने वाली हो. या तो स्लाइडिंग या फिर फ्रिक्शन को एक सेकंड के लिए रोकते हैं. अब अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वायर को रख रखा है तो उस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? एमजी साइन थीटा. इसमें जो वायर है करंट की डायरेक्शन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स बताओ किधर लग रहा है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऐसी, फोर्स किधर लगा? इधर. समझ में आया कि नहीं? यानी कि इंक्लाइन प्लेन ऐसा है. कॉपी लाओ, इंक्लाइन प्लेन बनाना है मुझे. मेरे पास एक टेबल भी है लेकिन वो कैमरे में नहीं दिखेगा, तुम लोगों को तो दिखा सकता हूं मैं. इधर आओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर के लिए. इंक्लाइन प्लेन बना लो इधर, तो ऐसे अपनी शक्ल नहीं दिखाना. आ जाओ, सेलिब्रिटी है लेकिन व्यूज बढ़ जाते हैं मेरे वीडियोस के. इसको पकड़ ले खड़ो के, ऐसे पकड़ के दोनों पकड़ ले, बस इंक्लाइन प्लेन बनाना है अपन को. ठीक है, कैमरे में दिख रहा है? नहीं, इंक्लाइन प्लेन नहीं दिख रहा. इसको नहीं दिखने दो, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा. अब ठीक है, देखो भाई ये है वायर जिसको हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे फिसल जाएगा. ठीक है, क्यों फिसल जाएगा? ड्यू टू एमजी साइन थीटा. अभी मान रहे फ्रिक्शन नहीं है, अब इसमें करंट फ्लो कराते हैं. करंट की डायरेक्शन किधर है? ऐसे में बाहर की तरफ. तो करंट की डायरेक्शन है इधर को. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड. yes, तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन, इधर दिख रहा है ना? yes,
करंट की डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बी ऊपर आई आगे तुम लोगों की तरफ, तो फोर्स किधर लग गया, इधर, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन में इधर की तरफ को लग गया कि नहीं। जाओ बैठ जाओ, धन्यवाद। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा, अगर हम इसका जो 2D डायग्राम बनाएंगे तो इधर को लगेगा ना, इंक्लाइंड प्लेन में पीछे की तरफ, समझ गए। फोर्स इस पर इधर लगेगा, इस 3D डायग्राम में ऐसे दिखेगा और 2D डायग्राम में ऐसे दिखेगा। अब इस पर दो फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, mg नॉर्मल रिएक्शन और ये जो है f क्या, बिल साइन थीटा, आई इधर बी इधर, तो साइन थीटा 1 90 डिग्री है ना ये दोनों, क्लियर है कि नहीं, 90 डिग्री। तो बिल BIL, तो ये वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया BIL। ये तीनों आपस में बैलेंस तो हो ही सकते हैं ना, यस और नो। अगर यही तीनों आपस में बैलेंस हो गए तो फ्रिक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन कब आता है, ऑब्जेक्ट मूव, मूव गलत शब्द है, फ्रिक्शन में मोशन गलत शब्द है, स्लाइड हो रहा हो या फिर होने वाला हो। अगर ये तीनों बैलेंस हो गए तो फिर स्लाइडिंग ना फिर होने वाली होगी, तो फिर फ्रिक्शन चाहे रफ सरफेस ही क्यों ना हो फ्रिक्शन नहीं आएगा, अगर ये तीनों आपस में आपने करे है ना बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन, सिंपल है, तीन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर मान लो जो एफ है उसके हम कंपोनेंट करते हैं तो ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा आता है और ऐसे में आता है एफ साइन थीटा, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे एफ साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वायर अंदर तो घुस नहीं जाएगा, तो या तो वायर ऊपर जाएगा या तो वायर नीचे जाएगा। और हाँ सॉरी, इधर की तरफ को हमारा mg cos थीटा भी तो है, तो mg cos थीटा और f sin थीटा ये दोनों का सम किसके बराबर हो गया, तो r is equals to f sin थीटा। यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइन। हमारे फॉर्मूले में जो बिल sin थीटा है वो तो 90 डिग्री हो गया sin थीटा वाला, तो r की वैल्यू आ गई जितना जरूरत पड़ेगी जब फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल नीचे वाला फोर्स है mg sin थीटा और ऊपर वाला फोर्स है mg cos थीटा, अगर यही दोनों आपस में बैलेंस है तो फिर फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर mg sin थीटा है तो फिर फ्रिक्शन, mg sin थीटा है तो फिर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और mg sin थीटा बढ़ाए तो, और f cos थीटा बढ़ाए तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ को लगेगा, समझ में आया। Yes, तब तक जब तक कि वो मैक्सिमम वैल्यू बैलेंस नहीं कर ले, और मान लो अगर फिर भी वो ज्यादा फोर्स हो रहा है तो फिर एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा लगता रहेगा और वो बैलेंस भी नहीं कर पाएगा, मतलब चलेगा फिर एक्सेलरेट होगा। सिंपल इस तरह के क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं कि एक रेल पर, ये रेल है और इसमें वायर में करंट लग रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ कैसा कैसा होगा, कर पाओगे कि नहीं। Yes, समझ गए लॉजिक कॉन्सेप्ट, समझ गए किसी प्रकार की समस्या किसी को, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। आपको पढ़ाया छोटा सा मैंने बिल साइन थीटा, उसपे बात इतनी सारी कर ली मैंने। जिस दिन आप खुद से ये बनाना सीख गए उस दिन आपको मेरी जरूरत खत्म, आप मस्त रिवीजन कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं। आप जिस दिन एक क्वेश्चन और एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर दिए तब आप सेट हो, आपका सिलेक्शन हो गई होगा गारंटीड, ठीक है। समझ में आया, एक पेपर दे लिया, जिस जो नीट वालों ने नहीं दिया उनने देख लिया कि एनटीए कैसा पेपर बनाता है, तो आप लोग प्री डिसाइड होकर के चीजों में कम ही जाओ। जैसे इस बार लोगों को लग रहा है कि फिजिक्स तो ठीक गई, लेकिन कोई चांस नहीं है कि अगले सेशन में ही फिजिक्स ठीक आए, वो तो फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं अलग तरीके से। सही है ना, देखो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, वी हैव गॉन थ्रू मैग्नेटिक डायपोल, नहीं अभी नहीं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल वी हैव स्टडीड, का होते हैं जे, वेरी गुड, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे से, तब वो क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, डायपोल पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, क्या लगता है, उसको उस फील्ड में घुमाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, घुमाते हैं तो क्या करना पड़ता है, वर्क डन, क्या करना पड़ता है, वर्क डन, उसको टेढ़ा करके छोड़ दिया तो उसके पास क्या आ जाती है,
पोटेंशियल एनर्जी, क्या स्टोर हो जाती है उसमें? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अगर वो बैलेंस्ड सिचुएशन में है तो कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं? नहीं, दो, यहां तीसरा नहीं आएगा, दो। कौन कौन से? स्टेबल इक्विलिब्रियम और सब कुछ इसमें है, सब कुछ। वहां इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सब कुछ वैसा ही है जैसा उधर था, सब कुछ। क्योंकि कहीं पर भी आप देखो, बिना नॉर्थ के साउथ नहीं होता, बिना साउथ के नॉर्थ नहीं होता, तो दो पोल तो होंगे ही होंगे हमेशा, चाहे एक वायर ही क्यों ना हो, लूप ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, दो पोल तो होंगे ही होंगे, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। और अगर आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक लूप को रख दोगे तो उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, उसको रोटेट कराने में वर्क डन होगा, सब कुछ वैसे ही जैसा कि इलेक्ट्रिक में पढ़ चुके हो, तो ये हम बहुत जल्दी निकालेंगे उसमें। हाँ, आपने इलेक्ट्रिक की वजह से वो भी देखी थी फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इस पोजीशन, उस पोजीशन देखी थी कि नहीं देखी थी? यहां पर अभी नहीं करना वो। तो करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, तो मान लिया हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसके दो ठॉप पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। निकालने का तरीका मैंने बताया है, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज है तो साउथ, या फिर आप उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में करके अंगूठे से नॉर्थ साउथ देख लो। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ पोल। तो चाहे लूप सर्कुलर हो, चाहे लूप ऐसे हो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, सबका सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। और वो फॉर्मूला है हमारा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए, जहां पर ए है एरिया। अब आपकी लूप का शेप कैसा भी हो, एरिया आपको पता हो तो आपका काम हो गया। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? शेप कैसा भी हो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। किसी प्रकार की किसी को समस्या लग रही है क्या? सोच के बताओ, किसी को किसी प्रकार की समस्या है क्या? पक्की बात? ठीक है। तो यहां पर n है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल, i है करंट थ्रू दी कॉइल, और a है एरिया ऑफ दी कॉइल, n i a। समझ गए? क्लियर हो गया? मैग्नेटिक, हाँ बोलो। इस पर क्वेश्चन आया था कि हाँ आया होगा, क्या आया था मुझे नहीं देखा मैंने तो। स्क्वायर टाइप में था, हाँ एट टर्न्स थे उसके, हाँ मतलब याद नहीं आ रहा था। टॉर्क वॉर्क निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, यही होगा और कुछ नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, यू हैव अ करंट कैरिंग वायर ऑफ सर्टन लेंथ विच यू वॉन्ट टू मेक इन अ लूप, हाउ वुड यू मेक सच अ लूप वेयर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा? आपके पास यू हैव अ करंट कैरिंग वायर ऑफ सर्टन लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर है फिक्स, विच यू वॉन्ट टू मेक इन अ लूप, हाउ वुड यू मेक सच अ लूप वेयर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मैक्सिमम। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई ए। आपके पास एक वायर है एल लेंथ का, अब आपको उसका वो बनाना है, लूप बनाना है, और उसका लूप बनाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एन आई ए। एक कॉपन लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर आपने एक ही टर्न बनाया तो एन की वैल्यू हो गई वन, और आर की वैल्यू हो गई हमारी, आर की वैल्यू हो गई एल अपॉन टू फाइव, ठीक। अगर आपने दो लूप बनाए, अगर आपने दो टर्न बनाए तो एन की वैल्यू टू हो गई, लेकिन आर की वैल्यू घट गई एन अपॉन फोर पाए। नहीं आ रही मेरी बात? तीन लूप पर मतलब आप ज्यादा टर्न बनाओगे तो रेडियस घट जाएगी, ससुरी रेडियस कम हो जाएगी तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट घट जाएगा ना। आपको सवाल पूछा जा रहा है कि आप कैसे करो, कैसे बनाओ जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आ जाए। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है आपका एल कॉन्स्टेंट है, तो आप ऐसे करके कुछ सेटिंग बनानी है आपको एन के टर्म्स में, और एन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आता है कॉन्सेप्ट? जरा इक्वेशन बनाओ फिर बताता हूं मैं। बनाई इक्वेशन,
बनेगी ना। देखो अगर मान लेते हैं लेट एन नंबर ऑफ टर्म्स बना रही है, तो हमने सिंगल टर्म के लिए बता दिया। मान लो इफ एन नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, तो यहां पर m इज इक्वल्स टू एन आई ए एन आई पाई आर स्क्वायर, जहां पर n इंटू टू पाई आर बराबर l जो कि फिक्स है, तो यहां से r की वैल्यू अपन निकाल सकते l अपॉन टू पाई n। ये r की वैल्यू उठा के इधर पटक दो, m इज इक्वल्स टू एन आई इंटू पाई एल स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। बाकी चूल्हे में जाए एन से मतलब रखो, क्योंकि देखो करंट बदल नहीं रहे तुम, लेंथ बदल नहीं रहे तुम, केवल नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही। कैसे बनाओगे, तो एम प्रोपोर्शनल टू, इस केस में जब लेंथ कांस्टेंट है और तुम चाहे जितने टर्न बना सकते हो, एम प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन नंबर ऑफ टर्न आ गया। यानी कि नंबर ऑफ टर्न जितने कम होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही, सबसे कम नंबर ऑफ टर्न कितने हो सकते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, इसी के हिसाब से सेट करके हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गया कि नहीं? चलो ठीक है, समझ गया तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है ओके, अब आते हैं बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यही वाली बात बोल रहा था मैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक मैग्नेटिक डायपोल को रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने पर टॉर्क लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी प्रकार टॉर्क लगेगा। वो जो टॉर्क लगेगा वो तो बड़ा सिंपल है, टॉर्क निकालना नहीं है सिंपल। वहां पर टॉर्क कैसे निकाला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर भी चाहो तो वैसे ही कर लो, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, यहां पर लिया एक लूप और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर ये जो लूप है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं अलग से दिखा देता हूं। देखो हमने एक लूप लिया, करंट की डायरेक्शन लेट से फॉर एन एग्जांपल ऐसे कर दी, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मान लिया जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है। अब इस वाले वायर पे देखो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर है करंट और मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहां लग रहा है, इनटू द पेज। तो इनटू द पेज को दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, बोलो, और उस इस वाले वायर पर किधर लगेगा, आउट ऑफ द पेज बाहर की तरफ। इस वाले वायर पर किधर लगेगा, बी इधर, बी किधर है, इधर, और करंट किधर है, बी इधर, करंट भी इधर ही होगी शायद, और क्या क्या करंट काय को लगेगा, फोर्स डाउनवर्ड, बी इधर, करंट इधर, इधर ही है क्या करंट, हाँ यार इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए। अंदर थोड़ी है वो, हाँ अंदर ही है यार, अंदर है, सही कह रहा है, मैंने फोर्स थोड़ा सा वैसा बना लिया इसलिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। फोर्स इनटू अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स इसमें, ठीक है, और इसमें फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। अब इसमें करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स नीचे की तरफ आ गया, और इसमें फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, तो चारों फोर्स बैलेंस हो गए। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट ये और ये दो फोर्स हैं, ये इसको रोटेट करा देंगे, हाँ या ना, करा देंगे रोटेट कि नहीं करा देंगे। तो जब वो उसको रोटेट कराएंगे तो दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बी आई एल। मान लेते हैं ये वाली लेंथ हमारी बी है, एल है, और ये वाली लेंथ बी है, ठीक, एल है और बी है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बीच, इन दोनों के बीच की होगी, स्मॉल बी लेते हैं, इसे स्मॉल बी है,
तो दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी हो गई, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच की, फोर्स हो गया बी आई एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बी, ये कितना हो गया हमारा बी आई ए आई इंटू, अच्छा एफ नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कितना हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए इंटू बी, इसको क्या कर देंगे हम एम एम इंटू बी, और अगर डायरेक्शन वैसे कोई एंगल थीटा बन रहा है तो टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है सब ऐसे पी में भी किया था पी साइन थीटा पी क्रॉस ई, आ गया आंसर अपना समझ में आ गया, टॉर्क मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली घूमने लगता है, टॉर्क लगने लगता है बी एम साइन थीटा, ठीक है। अब वर्टन रोटेट करोगे वर्टन लगेगा, वर्टन का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा सा वर्टन टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू अभी भी बताई एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से कहां तक रख रहे थीटा वन से थीटा टू तक अगर तुम चेंज कर रहे हैं तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो गया, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉस थीटा, इसीलिए थीटा वन से थीटा टू करने पर पहले थीटा वन आया फिर थीटा टू आया, मतलब माइनस ऑफ कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन बेसिकली कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाता है, ये बात समझ में आई यहां पर। ऐसे ही हमने कुछ कुछ वर्क डन उसमें निकाला था डायपोल में निकाला था, और अगर हमने थीटा वन को जीरो लिया है और थीटा टू को थीटा लिया है तो ये डब्ल्यू बराबर एम बी वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है, मतलब आप उसको जब दोनों सेम एंगल पे थे वहां से घुमाना शुरू करते हो तो वर्क डन आपको वन माइनस कॉस थीटा लगेगा, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हमारी अगेंस्ट वर्किंग करने में लगती है, तो वहां पर माइनस पी कॉस थीटा थी यहां पर माइनस एम बी कॉस थीटा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल स्ट्रेंथ एम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा, जो एम है और बी है उसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तब आपका जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन टॉर्क तीनों सेम टू सेम वैसे ही निकाले। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। पहले उसके लिए टॉर्क भी तो जीरो होना पड़ेगा, देखो फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क भी तो जीरो होना पड़ेगा। टॉर्क क्या था एमबी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब कब होती है, जीरो पर और 180 पे, तो जब जीरो होगा तब भी इक्विलिब्रियम, जब 180 होगा तब भी इक्विलिब्रियम, अगर जीरो पर इक्विलिब्रियम है तो कॉस जीरो कितना होता है वन, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई माइनस एम बी, माइनस एम बी का मतलब क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यस और नो, हाँ है ना, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आ रही एंगल थीटा की वैल्यू जीरो पर, तो जीरो पर इक्विलिब्रियम है और पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, तो हमारी ये इक्विलिब्रियम कैसा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 पर कैसा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ में आई बात, देख लो भाई डायग्राम देख लो समझ लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। इसी पर गैल्वेनोमीटर काम करता है, इसी पर मोटर काम करती है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लो जरा ढंग से, ये जल्दी में इसीलिए निकाल दिया मैंने क्योंकि रिपीट हो रहा था इलेक्ट्रिक डायपोल से, देख लो फिर भी इधर रुक जाता हूं मैं एक सेकंड के लिए, पोटेंशियल एनर्जी वहां पी माइनस पी कॉस थीटा थी, यहां माइनस एम बी कॉस थीटा है, ठीक है वहां भी जीरो और 180 पर इक्विलिब्रियम, यहां भी जीरो 180 पर इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल वहां भी, इनस्टेबल अनस्टेबल यहां भी, तीन तरह के होते हैं लेकिन हमें न्यूट्रल नहीं मिलता है, स्टेबल अनस्टेबल मिलते हैं, देख लो ओके। अब हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है
दोनों के बेसिक प्रिंसिपल हमारे सेम है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली होता क्या है कि उसको सेट कर रखते हैं, किसको, कॉइल को, कहां, मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के लिए पहले ही सेट करके रखते हैं, करंट नहीं फ्लो करा रहे पर सेट ऐसा कर लिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमे, ठीक है, पहली सेट कर लिया हमने उसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी अगर करंट फ्लो हुई, मतलब हमने बियरिंग वियरिंग लगा ली कि कोई फ्रिक्शन ना हो भाई, कोई एनर्जी का लॉस ना हो, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और वो घूमता है, तो हमने एक सेटिंग बनाई, उस दौरान हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ली, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ना वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मतलब जो परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं वो ऐसे में लगाते हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए, रेडियल होने से क्या होगा, जो कॉइल है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा एम इंटू बी आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम बी साइन थीटा होती है, अगर थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री तो एम इंटू बी इंटू साइन 90 हमेशा बनी रहेगा, एक बार दो बार नहीं हमेशा बन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को आप रेडियल लगाते हो वहां पर, ये सेटिंग है, यही सेटिंग है। फिर अब आपको नापना है कि कितनी करंट आएगी, तो आपको सुई वगैरह जोड़नी पड़ेगी, वो सब जोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, ज्यादा करंट आएगी तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, कम करंट आएगी तो कम टॉर्क लगेगा, बता गलत तो नहीं कह रहा, समझ, अगर जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ज्यादा करंट आई और तुमने इसको छोड़ दिया, वो तो घूमते रहेगा हमेशा, मोटर बन गया, मोटर थोड़ी बनानी तुम्हें, क्या बनाना तुम्हें, काम क्या है गैल्वेनोमीटर का, किसकी रीडिंग, करंट नापेगा वो, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ऐसे घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे घूम गया, ये तो ठीक है, लेकिन उसे नापना है तो रुकना भी तो है, तो उस रोकने के लिए हम लगा देते हैं एक स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग देखी गई कहां, चाबी वाले खिलौनों में स्पाइरल स्प्रिंग होती है, बंदर चाबी वाला ऐसे ऐसे तोड़ना, उसको तोड़ दिया था मैंने बचपन में, फिर उसमें स्प्रिंग निकाली थी, उससे खेला था मैं, बंदर से नहीं खेल रहा था मैं, के अंदर की स्प्रिंग से खेला था, तो वो स्पाइरल स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग में क्या होता है, ऐसे खींचो तो वो टाइट हो जाती है और फिर उसकी एक लिमिट होती है और रुक जाती है, अब जैसे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी, मतलब ज्यादा टॉर्क लगाओगे तो ज्यादा घूमेगी, कम टॉर्क लगाओगे तो कम घूमेगी, जैसे ही टॉर्क हटाओगे वापस आ जाएगी, यही होगा, यही होगा, आई बात समझ में कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही, सभी को बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि हमने व्हेनेवर अ कंडक्टिंग करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, दिस प्रिंसिपल वी हैव यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, समझ में आया, तो अभी हम कक्षा समाप्त करते हैं आपकी, गैल्वेनोमीटर और मोटर को देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अगर आज क्लास हो पाई तो हो पाएगी, कोशिश तो मैं करूंगा कि आ जाऊं, वैसे नहीं आ पाया तो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, अभी बता देंगे केमिस्ट्री वाले साहब, ठीक है, चलो क्लास करो, टाटा बाय।